बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सईद आपके साथ ट्रेन अपडेट्स शेयर कर रहा हूँ। ये ट्रेन अपडेट्स 27 अप्रैल 2023 के मुताबिक हैं। आज की अपडेट से पहले व्यूवर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। गुज़श्ता रात जो इंसिडेंट हुआ है उसमें जो अफराद जहाँ बहक हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। पाकिस्तान रेलवे को हर कोच में आग बुझाने के मुनासिब आलात जो है वो नस्ब करने चाहिए और हर ट्रेन में तकरीबन 2 तरबियत याफ्ता फायर फाइटर भी होने चाहिए ताकि किसी भी हादसे की सूरत में कम से कम नुकसान हो। पाकिस्तान रेलवे ने आज 27 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक 27 अप 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस की तमाम क्लासेस में 20% रियायत दी गई है। ये 20% कंसेशन जो है 1 मई से 15 मई तक होगी, जबकि 15 मई से 31 मई तक 10% कंसेशन किया गया है तमाम क्लासेस में। इस सिलसिले में जो लोग पहले एडवांस बुकिंग कर चुके हैं उनको इजाफी रकम जो है वो वापस कर दी जाएगी। ये कंसेशन जो है ये करंट बुकिंग और एडवांस बुकिंग में सहूलत होगी इसकी। ये पाकिस्तान रेलवे की शालीमार एक्सप्रेस के लिए फेयर लिस्ट है जो इसमें 10% 20% कंसेशन की गई है, तो आप इसकी मदद से वो अपनी मतलूबा रकम जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये शालीमार एक्सप्रेस का रैक है, इसमें आप एसी स्टैंडर्ड और डाइनिंग कार कोचेज इकॉनमी क्लास की देख सकते हैं। ये तमाम कोचेज जितनी भी हैं ये रिफर्बिश्ड हैं। एसी पार्लर और एसी स्टैंडर्ड बिजनेस क्लास की कोचेज भी इसमें लगाई जाएंगी। ये टोटल 19 कोचेज का रैक है, मगर इसकी हतमी शक्ल जो है वो 1 मई को ही आप देख सकेंगे। जैसा कि व्यूवर्स आप जानते हैं कि पाकिस्तान रेलवे पर टिकट डैम फंड और हर पैसेंजर्स का इंश्योरेंस जो है वो उसमें ऐड होता था, तो मेरी अपनी जाती राय ये है कि इस तरह के हादसात से बचने के लिए अब हर पैसेंजर की टिकट में तकरीबन 1 से 2 रुपए जो भी मुनासिब उसमें फिगर्स हों वो उसमें ऐड कर दिए जाएँ और किसी एक तरबियत याफ्ता कंपनी को आउटसोर्स कर दिया जाए और वो कंपनी अपनी तरबियत याफ्ता अमले के साथ मुनासिब आलात जो है वो हर ट्रेन में फिक्स करे। ये अपडेट पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें।